हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सपायरी ऑन कैसे करें किसी भी ट्रेड में हो, चाहे आप ग्रोसरी में हो या फार्मा। फार्मा में ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर में बैच और एक्सपायरी ओपन रहती है, लेकिन ग्रोसरी में कभी कभी हमें जो है फेस करना पड़ जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ एमआरपी ही होती है। बट कितने प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक्सपायर्ड होने वाले होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता और हम फिर बाद में देखते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ कि सिंपल वे में अगर आप परचेज चढ़ाते हैं या कोई भी स्टॉक एड ऑन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एमआरपी का ही ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख मेरा माउस कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी आपको एमआरपी का ऑप्शन नहीं दिख रहा, जिसको डालकर आप बाद में जो है उसकी रिपोर्ट भी ले सकें कि कौन कौन सी आपके जो है ग्रोसरी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं, आपको ये वाले ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें क्या करना है इसके लिए, हमें मास्टर में जाना है और मार्क सेटअप, उसके बाद कंट्रोल रूम पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करें एक्सपायरी, ओनली एक्सपायरी। स्पेलिंग पे आप जरूर ध्यान दें, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, बट आपको जो है यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे 10वें स्लैब में आना है। आप ये 10 नंबर का स्लैब देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड, आप इसको यस कर दें। जैसे कि यहाँ पे नो हो रखा है पहले से, आप इसे यस कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे स्केप स्केप करके यस करें। अब जब भी आप परचेज चढ़ाएंगे या अपने स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, आप इजिली जो है अपने एक्सपायरी स्टॉक को डाल सकते हैं। अब देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा से परचेज चढ़ा रहा हूँ, अब वही आइटम ले लेता हूँ मैं, सेम जैसा हमने पहले चूज किया था। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक्सपायरी का भी ऑप्शन मिल रहा है, 02/2023 में ये आपका जो है एक्सपायर हो जाएगा प्रोडक्ट, और कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, क्या रेट है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक्सपायरी इनेबल होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी हो सकता है आपका कि जो मेरे पहले के स्टॉक हैं उसका एक्सपायरी हम कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना है मास्टर में, आइटम मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर। अब सपोज कि ये जो स्टॉक है पहले से ही चढ़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट का बटन दबाना है, कीबोर्ड में इंसर्ट का बटन होता है। जैसे इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे एंटर एंटर करके लास्ट में अब आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपायरी का, कि ये कब आपका जो है ये एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पे स्केप और यहाँ पे फिर एंड का बटन दबाकर आप सेव कर दें, तो अब इसमें भी जो है एक्सपायरी आपकी एड ऑन हो चुकी है। ऐसे ही आपको सभी के अंदर जो है जो जो स्टॉक पहले के चढ़े हुए हैं आपके, उनके अंदर आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप काफी अच्छा जो है एक्सपायरी को अपने मैनेज कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।